हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एट माया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ज्यामिति मीन्स ज्योमेट्री के ही एक और टॉपिक को कवर करेंगे जिसे बहुभुज कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पॉलीगन किसे कहा जाता है। तो देखिए, पॉलीगन एक ऐसी आकृति होती है जो कम से कम तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे हम समझ लेते हैं, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कितनी साइड्स हैं? थ्री साइड्स हैं, ठीक है। कम से कम तीन तो होनी ही चाहिए उसके अंदर साइड्स, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये फोर साइड से बन गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये फाइव साइड से बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। इसी तरीके से इसकी कितनी साइड हो जाएंगी? सिक्स साइड हो जाएंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सागन, ठीक है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज, इस तरीके की जितनी भी आकृतियां बनती हैं वो सब पॉलीगन कहलाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बहुभुज के प्रकारों को समझ लेते हैं कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, बहुभुज के यहां पर हम प्रकार लिख लेते हैं, बहुभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, जिसमें हमारा पहला बहुभुज होता है उत्तल बहुभुज, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि उत्तल बहुभुज किसे कहा जाता है। तो देखिए, ऐसा बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं वो सभी बहुभुज कौन से बहुभुज कहलाए जाते हैं? उत्तल बहुभुज। जैसे समझ, ये हम यहां पर एक बना लेते हैं हेक्सागन, ठीक है, षटभुज बना लेते हैं, इसको षटभुज बोला जाता है। इसके सभी अगर आप देखेंगे इंटरनल एंगल, जितने भी आंतरिक कोण हैं वो सब कैसे होंगे? 180 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि अगर 180 डिग्री का कोण कैसा बनेगा अपना? इस तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंगल। लेकिन ये सब कैसे एंगल है? छोटे हैं 180 डिग्री से। तो ये सारे बहुभुज कैसे होंगे? उत्तल बहुभुज की श्रेणी में आएंगे ये सारे बहुभुज। तो हमारा दूसरा बहुभुज होता है जिसको हम बोलते हैं अवतल बहुभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। अवतल बहुभुज किसे कहा जाता है? तो देखिए, ऐसा बहुभुज जिसका कोई भी एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है वो कौन सा बहुभुज कहलाया जाता है? अवतल बहुभुज। अब वो कैसे बनता है? तो देखिए, इस तरीके से हम एक बहुभुज बना लेते हैं, ये इस तरीके से। तो देखिए, ये वाला एंगल आप देखेंगे कौन कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री से भी छोटा होगा, मींस एक्यूट एंगल। ये भी देखिए छोटा है, लेकिन जब आप इस वाले एंगल को देखेंगे तो ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कैसा कोण हो गया? ये 180 डिग्री से बड़ा कोण हो गया। तो ये कैसा बहुभुज होगा? इस बहुभुज को कहा जाएगा अवतल बहुभुज, मींस कॉनकेव पॉलीगन। चलिए, हमारा तीसरा बहुभुज कौन सा होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। हमारा तीसरा बहुभुज होता है सम बहुभुज। क्या कहते हैं उसको? सम बहुभुज, मींस रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, अब ये कौन से बहुभुज होते हैं? ऐसे सभी बहुभुज सम बहुभुज होते हैं जिनके जब भुजाएं बराबर हों, उनके कोण बराबर हों, ठीक है, सारी उनकी साइड्स इक्वल हो जाए और सारे उनके एंगल्स जब इक्वल हो जाते हैं, वो सारे बहुभुज कौन से बहुभुज होते हैं? सम बहुभुज कहलाए जाते हैं, मींस रेगुलर पॉलीगन होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम बना लेते हैं, ये हम यहां पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, मींस समबाहु त्रिभुज। यहां पर इसको नेमिंग कर देते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो देखिए, यहां पर हमने एक त्रिभुज बनाया था, तो यहां पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उस चतुर्भुज को क्या बोलते हैं हम? वर्ग। तो यहां पर हम वर्ग लिख लेते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे बहुभुज कौन से होंगे? समबहुभुज। चलिए अब हम समझ लेते हैं अपने चौथे बहुभुज को। हमारा चौथा बहुभुज होता है विषम बहुभुज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन रेगुलर पॉलीगन, ठीक, मींस ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं असमान होती हैं, वो सभी बहुभुज कैसे होते हैं? विषम बहुभुज होते हैं, मींस नॉन रेगुलर पॉलीगन होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हम बना लेते हैं, ये हमने एक आयत बना लिया, मींस रेक्टेंगल बना लिया। तो देखिए, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी,
और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और एक ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल कैसा हो गया आपका, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक, विषम बाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज जब भी हम बनाते हैं तो उसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं, ठीक, सारी भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं। और ये क्या हमने बनाया था, आयत। तो अब हम समझ लेते हैं हमारे बहुभुज में विकर्ण कौन से होते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक जो रेखाखंड खींचा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण, मींस डायगोनल, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ये हो गया हमारा विकर्ण, मींस डायगोनल। अच्छा, ट्राइंगल में हम कोई विकर्ण बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। विकर्णों की जो शुरुआत होती है वो चतुर्भुज से हो जाती है, देखिए चतुर्भुज में विकर्ण बनेगा, पंचभुज में बनेगा, षटभुज में बनेगा, ठीक है, सप्तभुज में बनेगा, नवभुज में बनेगा और दसभुज में, इन सब में विकर्ण बन जाएंगे पर त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनेगा। लेकिन शुरुआत जो होती है बहुभुज की वो त्रिभुज से ही होती है। तो अब हम कुछ प्रश्नों की मदद से बहुभुज को और अच्छे से समझ लेते हैं कि बहुभुज या पॉलीगन किसे कहा जाता है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है एक पांच भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करें, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ फाइव साइडेड पॉलीगन। अच्छा, पांच भुजा वाले बहुभुज को हम क्या बोलते हैं, पंचभुज, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं यहां पर हम, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है, पंचभुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, पेंटागन। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है उसका, फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में 2n माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपॉन में n। तो यहां पर हम वैल्यू रख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई n, n की जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ साइड, पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, 5, तो यहां पर आपको 5 रखना है, माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपॉन में 5 नंबर ऑफ साइड, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 5 से 1 टाइम, 5 से 18 टाइम कट जाएगा ये, ठीक है, 18 पंजे 90 होते हैं ना, तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 5 जा 10 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 18, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, डिग्री लगाना मत भूलना। अच्छा, 18 6 जा 18 छिंग कितने होते हैं, 108 डिग्री। तो इस तरीके से आप पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक चीज यहां पर और समझने वाली है, यहां पर देखिए हम एक पेंटागन बना लेते हैं। अब देखिए पेंटागन में इंटीरियर एंगल कहां पर होता है, तो देखिए ये वाला एंगल है जो, ये होगा इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, अब एक्सटीरियर एंगल कहां पर होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहां पर होता है, नहीं गलत हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल यहां पर नहीं होता है। इन सभी लाइनों को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इन सभी साइड्स को हम, ठीक है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कहां पर होगा, इस जगह पे, ये इस जगह ऐसे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जब आप सम करते हैं, मींस टोटल करते हैं, तो उनका टोटल आपका 180 डिग्री आएगा, ठीक है, उनका योग अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो आपने सही किया है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दिया। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरीके से उसको हम सीख लेते हैं। तो यहां पर तो हम नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है, एक पांच भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक है, इसको हम लिख लेते हैं यहां से काट कर बहाय, यहां पर लिख लेते हैं बहाय, और यहां से इंटीरियर हटा के हम कर लेते हैं क्या, एक्सटीरियर, ठीक। एक पांच भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक बहाय कोण ज्ञात करें, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ फाइव साइडेड पॉलीगन, ठीक है। पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक, आंतरिक को काट दीजिए, यहां पर लिख लीजिए आप क्या, बहाय, ठीक है। ईच इंटीरियर, इंटीरियर को यहां से हटाइए,
यहां पर आप कर लीजिए क्या, एक्सटीरियर। फॉर्मूला क्या लगेगा, पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज, फॉर्मूला चेंज है, फॉर्मूला भी ये नहीं रखना है आपको, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला जो होगा वो होगा 360 डिग्री अपॉन में एन। जब आप ईच एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तब आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। 360 की जगह 360 डिग्री रख लेते हैं, एन की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड, मींस पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 7 35 वन कैरी आया और 5 2 10 72 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सटीरियर एंगल भी निकल आएगा बड़ी आसानी से। तो देखिए यहां पर हम समझते हैं हमारा इंटीरियर एंगल कितना निकला था, 108 डिग्री, और एक्सटीरियर कितना एंगल कितना निकला है, 72 डिग्री। अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन समझते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन पॉलीगन में कैसे बन के आ सकता है। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, हाउ मैनी डायगनल इन अ पेंटागन, ठीक है। तो यहां पर हम पंचभुज के विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं पंचभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगनल्स इन पेंटागन। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n माइनस 3 अपॉन 2। ये हमारा डायगनल निकालने का फॉर्मूला है, मतलब विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं विकर्ण कितने बनेंगे हमारे पेंटागन में, n की जगह नंबर ऑफ साइड 5 होती है साइड पेंटागन में, यहां पर फिर से 5 माइनस 3 रख लेंगे ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2, ठीक है। 5 वैसे ही रखते हैं मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, यहां पर डिवाइड में 2 चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ डायगनल कितने आएंगे, 5। मतलब उस पंचभुज में कितने विकर्ण बनेंगे, 5 विकर्ण बनेंगे। तो देखिए यहां पर हम समझ भी सकते हैं, ये रहा मेरे पास एक पेंटागन है, तो देखिए इस तरीके से अगर मैं एक लाइन डाल देता हूं ये बनेगा एक विकर्ण, एक हो गया, अच्छा दूसरा ये बना, ठीक तीसरा ये बना, चौथा ये बना, ठीक है, और कौन सा बनेगा, ये वाला भी बन जाएगा, ये 5वां बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पेंटागन मतलब पंचभुज में कितने विकर्ण बनते हैं, 5 विकर्ण बनते हैं। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है पॉलीगन के क्वेश्चंस में। तो देखिए यहां पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक पांच भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 5-sided पॉलीगन। तो यहां पर लिख लेते हैं पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग। तो यहां पर हम इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 90 डिग्री। सेम फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने का, ठीक है। वहां पर क्या होता है अपॉन में n दे देते हैं, इसमें अपॉन में n नहीं होगा, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। 2n की जगह नंबर ऑफ साइडेड, नंबर ऑफ साइड कितनी होती है पेंटागन में, 5 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 90। अच्छा 2 का 5 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है, 2 5 10 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अच्छा 10 माइनस 4 कितना होता है हमारे पास, 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 6 9 54 यानी कि 540 डिग्री। तो इस तरीके से जब आप पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग करेंगे, मतलब पेंटागन के जो भी इंटीरियर एंगल है उनका अगर आप टोटल करते हैं तो वो कितना आएगा, 540 डिग्री। तो देखिए यहां पर हमने कितना निकाला था इंटीरियर एंगल, 108 डिग्री, और 108 डिग्री का अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप 108 डिग्री का किसके 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 540 आएगा, 5 8 40 5 1 5। तो इस तरीके से आपका 540 डिग्री सम आ गया इंटीरियर एंगल का। चलिए अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे, हमारा पांचवा क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है। तो देखिए यहां हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग
1440 डिग्री है, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, भुजाओं की संख्या निकालनी है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 1440 डिग्री, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगन है, तो उस पॉलीगन में कितनी साइड्स है। तो यहां हमारा फॉर्मूला रहेगा आंतरिक कोणों का योग, तो यहां हम लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिखना है आपको 2n-4, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 90 डिग्री। सम का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, यही होता है, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यू रख लेते हैं। अच्छा, सम हमारा कितना है, उस सम को रख लेते हैं, यानी कि हमारा योग कितना दिया हुआ है, 1440 डिग्री, ठीक है, 1440 डिग्री लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2n, क्योंकि हमें n नहीं पता है, तो n वैसे ही रहेगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1440 डिग्री अपॉन 90 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2n-4, ब्रैकेट क्लोज, तो देखिए 0 से तो 0 कट गया, तो 9 से 1 10, 9 से 16 10, तो यहां पर आपका आ जाता है 16 इक्वल 2n-4। तो इसको हम यहां पर रख लेते हैं, 2n इज इक्वल टू 16, माइनस का 4 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। सो 2n इज इक्वल टू 16 प्लस 4 कितना होता है, 20, n इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 1 टाइम, 2 से 10 टाइम, ठीक है, n इज इक्वल टू 10, मतलब उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई है, 10 आ गई। तो इस तरीके से उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी, जिसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 1440 डिग्री होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक डेकागन बन गया, मतलब 10 भुज बन गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीगन में किस तरीके से बन के आ सकता है। तो देखिए हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक बहुभुज में 14 विकर्ण हैं, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। A polygon has 14 diagonals. Find the numbers of sides of a polygon. ठीक है, एक आपको polygon दिया हुआ है, उसमें आपको diagonals दिए हुए हैं, ठीक है, आपको क्या निकालना है, number of sides निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहां हम लिख लेते हैं बहुभुज के विकर्णों की संख्या, number of डायगनल्स इन अ पॉलीगन, ठीक है। इसका हमारा फॉर्मूला होता है n, ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए डायगनल की जगह हम डायगनल रख लेते हैं, हमें डायगनल दिए हुए हैं, कितने डायगनल दिए हुए हैं, 14, तो यहां पर हमने 14 रख लिए, विकर्ण हमारे कितने, 14, हमने 14 विकर्ण रख लिए, n की जगह n, हमें n नहीं पता है, n ही हमें निकालना है, ठीक है, n-3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 लिख लेते हैं, ये डिवाइड में है 2, इधर आके किस में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इक्वल n-3, ठीक है, 14 टू ज़ा 28, n का n में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, n स्क्वायर, इसी n का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस माइनस मीन्स 3n, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस 3n, प्लस का 28 है, इसको इधर भेज दीजिए, किसका हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एन स्क्वायर माइनस 3n-28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, 28 आपका एक नंबर है नॉन वेरिएबल, अब क्या करना है, ये तो वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है, 28 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 28 आ जाए, ठीक है। अगर हम 28 के फैक्टर करते हैं, तो देखिए फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर, 2 से 14 टाइम्स, 2 से 7 टाइम एंड 7 से 1 टाइम, ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 7 28, तो देखिए एक तो बन गया मेरा 4, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बना दिया 4, और एक बन गया मेरा 7, मींस 7 में से अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, 3 आ जाता है, और 7 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, 28 हो जाता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में क्या रखना है, 7-4, ठीक है, बाहर n रख लेंगे, -28 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस का 7 का मल्टीप्लाई कराना किससे, एन से, तो ये हो जाएगा 7n, माइनस माइनस प्लस 4 का मल्टीप्लाई एन से कराना है तो ये क्या हो जाएगा 4n, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अब इन दोनों में आपको कॉमन डिजिट देखनी है और इन दोनों में कॉमन डिजिट, तो सबसे पहले हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें कॉमन क्या होगा n, क्योंकि यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ 7n है, ठीक है, यहाँ पर कितने n है, 2n है, और यहाँ पर कितने n है, 1n है, तो 1n बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, n बचा, माइनस 7 बचा, ठीक है, प्लस, अच्छा अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4 कॉमन होगा, क्योंकि 4 7 जा 28, और यहाँ पर क्या है 4n, तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया n, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अंदर क्या रह गया इसके 7, क्योंकि 4 तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा 7 ही तो बचा, इज इक्वल टू 0, तो अब इन दोनों में भी कॉमन क्या है, n माइनस 7, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां हम सॉल्व करते हैं n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, प्लस का 4 है, इधर आके किसकी 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहां बेटा ये तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी भी n है हमारा वो माइनस में नहीं आता है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स के कभी माइनस में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, अब यहां पर देखिए n इज इक्वल टू, ये माइनस का 7 है, इधर आके किसका 7 हो जाएगा, प्लस का 7 होगा, तो यानी कि इट्स पॉसिबल, यानी कि ये वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है, तो इस तरीके से उस पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी, 7 साइड्स होंगी, ठीक है, जिसके डायगोनल कितने होंगे, 14 डायगोनल्स होंगे, तो उसकी साइड्स कितनी होंगी, 7 साइड्स होंगी, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू।